खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम, खबर आप तक पहुंचाएं। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा से बदसलूकी के केस में नया मोड़। आयशा ने मुकदमे में मुलविस मुलजिम इफ्तिखार को पहचानने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम इफ्तिखार अहमद मेरा मुलजिम नहीं है, आयशा का अदालत में बयान। अदालत ने मुकदमे में मुलविस मुलजिम इफ्तिखार की जमानत मंजूर कर ली। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा से बदसलूकी के केस में नया मोड़ आ गया है। आयशा ने मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम इफ्तिखार को पहचानने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम इफ्तिखार अहमद मेरा मुलजिम नहीं है, आयशा का अदालत में बयान। और अदालत ने मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम इफ्तिखार की जमानत मंजूर कर ली। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी कहिएगा, क्या अपडेट्स हैं मजीद? जी बिल्कुल, आयशा टिकटॉकर के केस में शरीक मुलजिम इफ्तिखार की जमानत लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। इफ्तिखार जो था ये रैम्बो का साथी था और इसके साथ मिलकर ये फ्रॉड करता था, जिसके बाद इसके खिलाफ इसको मुकदमे में नामजद किया गया। तो आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने मुलजिम इफ्तिखार की जमानत मंजूर कर ली और 50,000 रुपए के जमानती जल को केवल रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।